हेलो दोस्तों, आज हम बैक डिजाइन की कटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है, अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 5.5 इंच रखा है, 5.5 इंच पे हम इसके आर मोड़ का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें बॉक्स तैयार करना है, 5.5 इंच का बॉक्स तैयार करने के बाद हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया। इसे हम 32 इंच का बना रहे हैं, तो 9 इंच सॉरी हम इसे 32 इंच का बना रहे हैं तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे। मार्जिन के लिए 2 इंच बढ़ा दिया है। कमर 30 है तो 7.5 रखेंगे, मार्जिन उतना ही रख लेंगे जितना हमने नीचे ऊपर रखा है। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये हमारा मार्जिन का है। अगर हमारा ब्लाउज टाइट और लूज होता है तो हम इसी के अंदर अपने ब्लाउज को ठीक कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक डिजाइन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है चौड़ाई इसकी, लेंथ इसकी रखी है मैंने 10 इंच। एक बॉक्स तैयार करना है हमें इस यहाँ पे 10 इंच का, और यहाँ से शोल्डर को भी डाउन कर देंगे जैसे हम अक्सर हर ब्लाउज सूट में करते हैं। इस वजह से हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इसके अंदर और डिजाइन डालेंगे। जैसे हमने डिजाइन इसमें बनाया वैसी हमें इसमें कटिंग करनी है। जब भी हमारा कंप्लीट होगा डिजाइन ये, अब हमें इसे इस डिजाइन को काटने के लिए यहाँ से छोटा सा होल बना देंगे इस तरह से, जिससे हमारा डिजाइन बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही काम करना है होल बनाकर। तो इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया। अब इसका शेप बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा।
तो दोस्तों मेरे डिजाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आप बनाना अपने लेंथ के अनुसार कपड़े, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये डिजाइन, बैक डिजाइन ये।